आप आदेश कीजिए महाराज, अपने पुत्र की मंगल कामना के लिए हम सब कुछ करने को तैयार हैं। तो सुनो, तुम अपने घर पुत्र होने की खुशी में सभी नगरवासियों को अपने घर भोजन पर आमंत्रित करो, और हाँ, याद करके सभी वर्गों के लोगों को निमंत्रण भेजना। ये आप क्या कह रहे हैं महाराज, ये संभव नहीं है। आपको शायद पता नहीं है कि मैं छोटी जाति और उच्च जाति के लोग हमारे यहाँ भोजन करना तो दूर, हमारी बस्ती से गुजरना भी पसंद नहीं करते, और आप कहते हैं कि मैं उनको भोजन पर आमंत्रित करूं। ये कतई संभव नहीं है महाराज। बेटा, तुम निराशावादी की तरह बातें क्यों करते हो? तुम सच्चे मन से प्रयत्न करो, बाकी सब ईश्वर के ऊपर छोड़ दो। महाराज, आप ठीक कहते हैं, आपके आज्ञा का पालन होगा। अच्छा बेटा, हम चलते हैं, ईश्वर ने चाहा तो सब अच्छा होगा। निरंजन। इस अवसर पर इन्हें विशाल भंडारे का आयोजन किया, सभी समाज के वर्गों को आमंत्रित किया गया। कुछ दुष्ट लोगों ने इस भंडारे में आने से मना कर दिया। वो उठ खड़े हुए कि हम एक छोटी जाति वाले के साथ भोजन ग्रहण नहीं करेंगे। उस वक्त रविदास जी ने अपना विराट रूप दिखाया था और हर एक व्यक्ति के बीच में रविदास जी बैठे नजर आए थे। ये देखकर वहां के सारे लोग हैरान हुए थे और रविदास जी की जय जयकार होने लगी थी। जिन लोगों ने रविदास जी के विराट रूप का दर्शन किया, वो दर्शन से ही तर गए थे। नीच, खबरदार, जो अपनी परछाई भी हम पर पड़ने दी, इसी जमीन में खोद कर गाड़ दूंगा। नीच, तूने हमारा धर्म भ्रष्ट कर दिया। तूने ये कैसा माया जाल रचाया है? आप लोग यूं क्रोधित ना हो, मैंने कोई माया जाल नहीं रचाया है। मेरे यहाँ पुत्र होने की खुशी में मैंने आप सब लोगों को निमंत्रण भेजा था, जो आप लोगों ने खुशी खुशी स्वीकार कर लिया। आप सब यहाँ अपनी इच्छा से पधारे हैं। खुशी तो दूर की बात, हम तो तुम्हारे यहाँ बौखते भी नहीं आना चाहते। अब हम तुझे नहीं छोड़ेंगे। ठहरो, यहाँ उपस्थित भद्रजनों, ध्यान से सुनो। तुम सभी वर्ग के लोगों को यहाँ बुलाकर भोजन करवाने की लीला हमारी थी। जिस बालक ने रघु के घर में जन्म लिया है, वह बहुत ज्ञानी, विद्वान एवं सच्चा ईश्वर भक्त है। वह पूर्व जन्म में संत कुमार नाम का ब्राह्मण था। श्राप वश उसका जन्म रघु के घर हुआ है। उसी की इच्छा थी आप सब लोग एक साथ सभी भेदभाव मिटाकर भोजन करें। बस उसी की इच्छा पूरी करने के लिए हमने ये लीला रची है। इसमें रघु का कोई दोष नहीं है। क्या माया थी, यह कुछ पता ही नहीं चला। चलो शीघ्र स्नान करके पवित्र होते हैं। चलो। हे ईश्वर, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। रविदास जी वो मानवता के पुजारी थे, वो बहुत परोपकारी व्यक्ति थे। जो जूते चप्पल बनाते थे वही जरूरतमंदों को दान कर दिया करते थे। वो समानता का अधिकार दिलाने के लिए हमेशा लड़ते रहे। ऐसे महान गुरु को जय रविदास जी।